चंद्रपुर जिले में लगातार बाघ के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे और लगातार बाघ के हमलों की खबरें प्रकाश में आ रही है। वहीं सीटीवी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि प्रवीण गेडाम ने जानकारी दी है कि व्याड़ उपक्षेत्र के अंतर्गत ऊपरी परिसर में बाघ के हमले में एक किसान जख्मी हुआ और जख्मी हुए किसान का नाम खुशाल कौड़ू सेट्टे उम्र 50 वर्ष बताया जा रहा है। यह किसान अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल परिसर के कक्ष क्रमांक 198 से लगते हुए परिसर में गया था। उसी दरमियान झाड़ी में पहले से घात लगाए बाघ ने उस पर हमला किया जिसमें यह किसान जख्मी हुआ और किसान जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसान की चिल्लाहट सुनकर बाघ वहां से भाग गया और उसी परिसर में कुछ महिला पुरुष खेती के काम के लिए आए थे और जख्मी किसान की आवाज सुनकर वे भागकर वहां पर आए और तुरंत जख्मी किसान को जख्मी अवस्था में गढ़चिरौली के सामान्य रुग्णालय में उपचार के लिए भर्ती किया। इस जख्मी किसान के शरीर पर अनेक जख्मी निशान बताए जा रहे हैं। इस घटना से पूरे परिसर में भय का वातावरण छा गया है। वर्तमान में धान फसल का हंगाम शुरू है और सभी किसान खेत पर काम के लिए जाते हैं और वे अपने जान को मुट्ठी में लेकर खेत परिसर में जा रहे हैं। इस भाग में वन्य जीवों का अतिशीघ्र बंदोबस्त करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए उपक्षेत्र अंतर्गत ऊपरी के वन रक्षक ने भेंट दी। सिटी के लिए हमारा विशेष प्रतिनिधि प्रवीण गेडाम की रिपोर्ट।